वेलकम टू ज़ील फॉर मैथ। हम आज इस वीडियो में MHSET एग्जाम 2018 पेपर सेकंड बुकलेट ऐसे क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर कोलिनियर। कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी मैंने यहाँ पर लिखा है। पहली कंडीशन है Z1, Z2, Z3 आर कोलिनियर इफ देर एग्जिस्ट अ रिलेशन AZ1 प्लस BZ2 प्लस CZ3 इज इक्वल टू जीरो वेर ए बी एंड सी आर रियल नंबर सच डैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये पहली कंडीशन है। या फिर आप सेकंड कंडीशन के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं कि दिए हुए नंबर्स कोलिनियर हैं या नहीं, जिसमें हमें ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू पता करनी होगी। इफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो देन वी सेट दैट दिस नंबर आर कोलिनियर। तो ये तो हो गए दो कंडीशंस। इससे इजी वाली कंडीशन भी है, चलिए देखते हैं वो। तीसरी कंडीशन ये है जो मुझे सबसे इजी लगती है। Z1, Z2, Z3 आर कोलिनियर इफ़ एंड ओनली इफ आना चाहिए यहाँ पर। इफ़ एंड ओनली इफ Z1 माइनस Z3 डिवाइडेड बाय Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू के, दिस के इज़ रियल नंबर। तो मैंने यहाँ पर फाइंड किए हैं, सबसे पहला ऑप्शन चेक किया है। देखिए यहाँ पर Z1 माइनस Z3 डिवाइडेड बाय Z3 माइनस Z2 ये लिया है, तो इसका आंसर आया है -3/2। तो ये क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बी के लिए देखिए मैंने फाइंड किया है, तो यहाँ पर 2 आया है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर नहीं है, इट इज़ नॉट अ रियल नंबर। सिमिलरली सी और डी पर जब मैंने चेक किया है, तो यहाँ पर भी सी पे ये जो रेशो आया है इसकी वैल्यू कॉम्प्लेक्स आई है, और डी में भी इस रेशो की वैल्यू कॉम्प्लेक्स आई है। इस रेशो की वैल्यू रियल नंबर चाहिए थी जो कि ऑप्शन ए के नंबर्स के थ्रू आई है, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही मैं आपको और एक इन्फॉर्मेशन देते चलूँ। इफ के इज ग्रेटर देन जीरो देन दिस Z3 इज लाइज बिटवीन Z1 एंड Z2। अगर Z1 Z2 सेगमेंट के पॉइंट्स हैं तो ये Z1 और Z3 के बीच में लाई करेगा Z3, कब, k की वैल्यू अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है। इफ़ k इज़ लेस देन ज़ीरो देन इट इज़ आउटसाइड Z1 एंड Z2, या तो ये इधर साइड रहेगा Z3 या फिर यहाँ पर रहेगा, ये इस साइड रहेगा या इस साइड, बट आउटसाइड ऑफ द सेगमेंट Z1 एंड Z2। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।